मंथली में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको तरीका इस्तेमाल की बात करें कि हम भी इसको लेते हैं, तो आप लोग सादा पानी से इसको ले ले या मिनरल और दूध से परहेज करें, यानी दो से मत ले। इसको लेते हो तो खाने से 60 मिनट पहले आप लोग इसको ले ले, और 60 मिनट बाद भी आप लोगों को ना कुछ पियेंगे और ना खाएंगे और ना लेटेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एड्रोनल टेबलेट के बारे में। एड्रोनल टेबलेट आप लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करना है। एड्रोनल टेबलेट आप लोग बोन वीकनेस के लिए, यानी बोन फ्रैक्चर के लिए, बोन वीकनेस के लिए, बोन लॉस के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ कैल्शियम की कमी हो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है आप लोगों को सही तरह से अब आसानी पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं एड्रोनल टेबलेट के बारे में, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक एड्रोनल टेबलेट में एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो पुश्त में था। आज मैं बनाने जा रहा हूँ उर्दू में, क्योंकि एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट्स में बताया कि आप उर्दू में एड्रोनल के बारे में उर्दू में वीडियो बनाएं ताकि पूरी यानी पूरी दोस्तों और सब बहनों भाई को समझ सके। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एड्रोनल टेबलेट के बारे में, हम इसको कैसे यूज़ करना है और हम इसको किन बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस टेबलेट के बारे में, एड्रोनल टेबलेट के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है ना आप लोगों को सही तरह से अब आसानी पहुँच सके। सो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एड्रोनल टेबलेट है और इसमें 150 मिलीग्राम है और इसका कंपोजिशन है एबेंड्रोनेट सोडियम, इसका कंपोजिशन है ये, और ये सरले कंपनी का है और इसकी प्राइस है 590 रुपये। ये आप लोगों को कहीं भी यानी हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकता है। और ये टेबलेट आप लोग महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं सिर्फ एक बार। जी दोस्तों, ये आप लोग बोन वीकनेस के लिए, बोन लॉस के लिए, बोन फ्रैक्चर के लिए या कैल्शियम की कमी हो इसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपकी हड्डियों की कमजोरी हो या आपकी हड्डियों में दर्द हो यानी मसल पेनिंग हो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों को कैल्शियम की कमी हो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब भी आप लोगों को ये कमजोरी हो यानी ये प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को डॉक्टर इस टेबलेट को रिकमेंड करता है। और अगर हम इसकी यूज़ की बात करें, अगर हम इसकी कैसे यूज़ करना है तो गाइस चलते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग जब भी इसको लेते हो तो आप लोग सादा पानी से ले ले और या मिनरल वाटर या दूध से ना ले। और इसके साथ आप लोग एक 60 मिनट खाने से पहले 60 मिनट पहले आप लोग इसको ले ले, और 60 मिनट बाद भी आप लोगों को ना कुछ पियेंगे और ना खाएँगे और ना लेटेंगे। और इसके साथ आप लोग सादा पानी से इसको ले लें। तो और इसमें एक बात ये भी है कि आप लोगों ने जब भी इसको पिछली बार यूज़ किया है, यानी कौन से टाइम पे और कौन से डेट पे और कौन से दिन पे, अगली बार इस बार भी आप लोगों को यानी अगली बार आप लोगों को यानी नेक्स्ट भी आप लोगों को इसको इस टाइम पे और इस डेट पे और इस दिन को लेना है, यानी आप लोगों को ये भी डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो इस ये सेम टाइम पे और सेम डेट और सेम दिन यानी सेम डे में आप लोगों को ये बिल्कुल यानी बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को ये महसूस हुआ तो आप लोग डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको यूज़ करें। आप लोगों को नौचे भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, आप लोगों की फ्लू भी हो सकता है, आंखों का दर्द भी हो सकता है, होंठों और चेहरे पे सोजश भी आप लोगों को हो सकता है, और आप लोगों को पेनिंग यानी पेनिंग भी हो सकती है, स्टमक पेनिंग भी आप लोगों को हो सकता है। अगर आप लोगों को ये हो जाए तो आप लोग डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इसको यूज़ करें, यानी डॉक्टर के यानी अच्छी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से रुजू करें। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया एड्रोनल टेबलेट के बारे में, एक बार फिर मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करना है। जी दोस्तों, ये एड्रोनल टेबलेट है और इसका मिलीग्राम है 150, इसका कंपोजिशन है एबेंड्रोनेट सोडियम, ये सरले कंपनी का है और ये इसमें सिर्फ एक टेबलेट होता है और लोग मंथली में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको तरीका इस्तेमाल की बात करें कि हम इसको कैसे यूज़ करना है, आप लोग जब भी इसको लेते हैं तो आप लोग सादा पानी से इसको ले ले या मिनरल और दूध से परहेज करें, यानी दो से मत ले।
और इसके साथ आप लोग यानी जब भी इसको लेते हो तो खाने से 60 मिनट पहले आप लोग इसको ले ले, और 60 मिनट बाद भी आप लोगों को ना कुछ पियेंगे और ना खाएंगे और ना लेटेंगे। जी दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और मुझे कमेंट्स के बॉक्स में अपनी राय का जवाब यानी ज़रूर दें कि मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है ना आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किस यानी कौन से रेसिपी पे आप लोगों को बनाऊँगा। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो गाइज ये था आज का वीडियो। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप लोग एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किया कि आप इसमें उर्दू में बात करें, तो इसलिए मैंने आज उर्दू में ये बनाई है इस वीडियो। तो उम्मीद है कि उस भाई को बहुत पसंद आई हो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि भाई जो मैंने जो बातें की है यानी रोनल के बारे में आप लोगों को बताया ये आप लोगों को समझ आई हो। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे सो खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।